हेलो फ्रेंड्स, जो विकास की रसोई से मैं बिंदु सिन्हा आज आपके लिए एक अलग सा और बहुत ही कॉमन किंतु रेसिपी अलग सा एक लेकर एक डिश लेकर आई हूँ। इस डिश को आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाता है और टेस्टी भी काफ़ी लगता है। फॉर ए चेंज बीच बीच में इस तरह के खाने से अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा और इसके साथ मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ी सी नमक और ये है काला जीरा और अजवाइन, मैं इसे भी डाल ले रही हूँ इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें लूंगी प्योर घी। आप चाहे तो इसमें आप कोई भी जो तेल आप खाती हैं वो ले सकती हैं। करीब 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ले लिए हैं और अब मैं इसे मिला ले रही हूँ। ये देखिए ये मिल चुका है, इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, मैं ये जो बनाने जा रही हूँ वो है अदरक की कचौड़ी और इसके साथ मैं आलू फ्राई करके और उसके साथ इसको आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो अब सभी चीज़ इसमें पड़ चुके हैं। अदरक की कचौड़ी के लिए तो अदरक की ज़रूरत होती है, तो मैंने ये अदरक ले लिया है और मैं इसे अब काट करके और थोड़ा सा एकदम सूखा, मिक्सी भी सूखा और ये भी मैंने धो के रख लिया है सूखा ही, ये करीब 50 ग्राम है। 2 कप आटे के लिए ये 50 ग्राम काफ़ी है। तो मैंने इसे काट लिया है और मैं इसे पीस ले रही हूँ। ये मेरा अदरक पीस चुका है, ये देखिए मैं ये इसमें 2 चम्मच ले लूँगी। इसे मैं मिक्स करूँगी, हल्का हल्का थोड़ा सा पानी डाल डाल कर मैं इसे आटा बना लूँगी। एक अच्छा सा, बहुत सॉफ्ट नहीं और बहुत हार्ड नहीं, मैं एक मीडियम डो बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी देकर मैं इसे अच्छे से गूंथ लूँगी। ये देखिए ये डो बन चुका है इस तरह का। मैं इसे सेट होने के लिए थोड़ा सा घी लगा करके और सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट रख दूँगी। ये देखिए, तो चलिए जब तक मेरा आटा सेट हो रहा है तब तक मैं आलू फ्राई बना लेती हूँ। तो चलिए हम अब आलू फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे आलू का भुजिया बोलते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और मैं इसे अब जला ले रही हूँ। इसको गर्म होने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच में तेल का डालूंगी, आप जो भी तेल खाती हैं वो डालिए इसमें। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाल रही हूँ। ये अभी चटकने लगेगा, जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा मैं इसमें आलू का जो मैं काट कर रखी हूँ उसे डाल दूंगी। इसमें मैं अब आलू डाल दे रही हूँ। आलू के साथ ही
मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और नमक के साथ ही मैं इसमें हाफ टीस्पून हल्दी डाल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर। मैं इसे थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद इसे बंद सीम आंच पर करके मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है और मैं इसे अब ढककर थोड़ी देर 5 मिनट पकने दे रही हूँ। ये मेरा आलू हाफ कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर ले रही हूँ और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मेथी दाने की, आलू की और लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और उसी तरीका से ये हाफ चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। आप अगर चाहें, आप कितना तीखा खाती हैं इस पर डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट से इसमें डालिए। मैं मॉडरेट खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके और पका रही हूँ। ये मेरा आलू फ्राई, आलू का भुजिया अब तैयार हो चुका है। अब मैं कचौड़ी को तलूंगी और फिर आप इसे दोनों को मिलाकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा आटा नरम हो चुका है। अब मैं इसको बेलकर इसकी छोटी छोटी पेड़े बना करके मैं इसकी कचौड़ी बनाऊंगी। और तब तक मैं कढ़ाई को गैस पर रख करके उसमें तेल डाल लिया है और मैं इसे अब गर्म होने के लिए गैस को ऑन कर देती हूँ। इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े बना ले रही हूँ। अब मैं छोटी छोटी लोई बना करके थोड़े से सूखे आटे लगा करके और मैं इसे बेल ले रही हूँ। मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इस कचौड़ी को तलूंगी। ऐसे ही मैं और सारे कचौड़ी को तल लूंगी। ये मेरी कचौड़ियां तैयार हो गई हैं। तो ये मेरा जिंजर की कचौड़ी और आलू का भुजिया तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, खाएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।